लेकिन दोस्तों, तो कैसे हो आप दोस्तों? आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। चैनल पे नए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की ना हम इस वीडियो में अपने सेटअप के ऊपर जो है लाइन लाने वाले हैं। मुफासा ये बैठा हुए, ये अपनी मौज मस्ती में गुम हुए। तो दोस्तों अभी जो है ना, उनके कमरे काफ़ी छोटा लाया था, तकरीबन एक माह का था। ये अभी तकरीबन इसकी एज वगैरह ज़्यादा हो गई, तो हमने इसको थोड़ा बीमार हो गया था बीच में, तो हमने इस वजह से इसको वैक्सीन वगैरह नहीं लगवाई। तो अब इसको इंशाल्लाह कल जाएंगे, इसको सबसे पहले वैक्सीन वगैरह करवा लें। अब तो माशा से बिल्कुल ओके हो गए, इसके जो जख्म हुआ था वो भी अब ठीक हो गए। तो इंशाल्लाह उसको कल वैक्सीन वगैरह लगवाएंगे। अब माशा से बिल्कुल एक्टिव है ये देखें माशाल्लाह से, चेक करें कमेंट में माशाल्लाह। फ्रेंड जरूर कीजिएगा, तो आप मेरे से काफ़ी बोलते रहते हैं भाई आप ये वाला डॉग अपने जो है तुरा भाई को गिफ्ट कर लें। तो ये इसको कल इंशाल्लाह इस पर नहलाएंगे भी, अभी से थोड़े तंग हो रहे। क्या हो गया मुफासा, पागल हो गया? इस वक्त अपनी मौज मस्ती में गुम हुए मुफासा। तो इंशाल्लाह कल इसको वैक्सीन भी लगवाएंगे हम। तो आप चेक करें माशाल्लाह, बिल्कुल इसने कान वगैरह खड़े किए हुए हैं, बिल्कुल शिकारी बने हुए, चेक करें। पता नहीं यार क्या हो जाते हैं बीच बीच में से। वैसे मैं काफ़ी बोलते रहते हैं कि भाई आप अपना मुफासा तुरा भाई को गिफ्ट कर लें, तुरा भाई को गिफ्ट कर लें। दोस्तों मैंने सोचा क्या है कि हम इंशाल्लाह अगर इस वीडियो के ऊपर आप या हमारे लाइक से अगर 100 लाइक रखते हैं, अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक अगर आ गए तो इंशाल्लाह हमारा जो मुफासा है हम तुरा भाई को गिफ्ट कर लेंगे। तो या आपके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इस वीडियो पर 100 लाइक वगैरह करें इंशाल्लाह, फिर हमारा जो डॉग है वो तुरा भाई को जो हम गिफ्ट कर लेंगे। जो हमारे बजीज थे इनका सीन कुछ ऐसे है यार कि ये सब की सब जो है फीमेल निकल आई हैं, तो इस वजह से ये ब्रीडिंग वगैरह हमारे पास नहीं कर रहे बजीज। तो यार मैंने सोचा क्या है कि अब ये वाले जो हमारे केजेस वगैरह हम इनको उठा के अपने जो फार्म है हमारा उसमें इनको शिफ्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये यहाँ पर सब की सब जो है फीमेल्स हैं, ये येलो वाली जो है ये भी फीमेल है, ये जितने भी बैठे हैं आपको नज़र आ रहे हैं सब की सब फीमेल्स हैं। तो इस वजह से तकरीबन इनके 2-3 साल हो गए हमारे पास ये ब्रीडिंग वगैरह नहीं कर रहे। तो अब इनका मैंने सोचा है क्या है कि हम इनको अपने म्यूजियम में शिफ्ट करेंगे, इनको सबको चेंज करेंगे जगह पर जो है ला के हम अपने पास न्यू बजीज वगैरह रखेंगे। क्योंकि यार इनको फिर रखना फजूल है, क्योंकि ब्रीडिंग वगैरह ये कर नहीं रहे, तो आपको खुद पता है फिर इस तरह का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप इसे काफ़ी भी पूछते रहते हैं कि भाई ये इन्होंने ब्रीडिंग वगैरह की है या नहीं की। तो नीचे बटेर हैं, बटेर का सीन यार ऐसे है कि इनमें से जो है बीमार हो गया था, मैं इसको खुद इसको मतलब आँखों वगैरह का इसका मसला बना हुआ है। फिलहाल इसको मैं खुद ही अपने हाथों से खिला पिला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ दिन तक ये भी ठीक हो जाएगा। आँखों की सब ट्रीटमेंट वगैरह हमने फिलहाल स्टार्ट किया हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ दिन तक ये भी ठीक हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे सेटअप के ऊपर मसला ये बना हुआ है कि ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक चील रहती है जो अक्सर सुबह के टाइम आती है, अक्सर सुबह के टाइम में आती है और उसे 2 बजे के टाइम के ऊपर आती है। यहाँ पर आके मतलब यहाँ पर बैठती है, बैठकर हमारे बर्ड्स को मतलब डिस्टर्ब वगैरह करती है, मुफासा को तंग करती रहती है। तो बड़ा इसने मतलब मसला वगैरह बनाया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि हम इसको किस तरह का ट्रैप करें, तो यार इसको कुछ सीन वगैरह चलाते हैं ताकि हम किसी तरह इसको पकड़ लें, क्योंकि ये काफ़ी इसने मसला बनाया हुआ है हमारे बर्ड्स के लिए। दोस्तों माशाल्लाह से आज मौसम चेक करें, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। और मुफासा क्या हो गया आपको, क्यों डर रहे हो मुझसे? दोस्तों चेक करें मुफासा को, मुफासा क्या हो गया, तंग ना करो ना। वीडियो बनाता हूँ, मुफासा आ जाते हैं मुझे डिस्टर्ब वगैरह करते रहते हैं, ये कहते हैं वो सारा टाइम मेरे साथ खेलते रहें, जब हम इसको छोड़ के जाते हैं पीछे से शोर करने लग जाते हैं। तो अब हमने यार इसको सोचा इस तरह से कि साथ हमने इसके लिए कोई ना कोई एक पार्टनर वगैरह लेकर आएँ, ताकि इसके साथ ये इसकी पार्टनर वगैरह होगी, फिर ये खुश रहेगा ज़्यादा, हमें डिस्टर्ब वगैरह भी खुद भी नहीं करेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल अकेले होते हैं तो फिर इस वजह से शोर करते रहते रोता रहते। तो अभी इसके साथ इंशाल्लाह कोई पार्टनर वगैरह लेकर आएंगे, अगर आप भाई में से किसी भाई के पास है फॉर सेल के लिए तो प्लीज़ मुझसे प्राप्त ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भाई से हम ले लेंगे, क्योंकि मुझे इसके लिए पार्टनर वगैरह चाहिए। ये मेरे पास फीमेल है, अगर किसी भाई के पास मेल है तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। तो आप ऐसे काफ़ी भाई को मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप सेटअप के ऊपर लाइन लाएँ, तो दोस्तों इंशाल्लाह क्वेश्चन तक हमारे सेटअप के ऊपर लाइन ना दे, मैं आपको दो मतलब कब का जो है पिक्चर वगैरह साथ में बता रहा हूँ, आप इन दोनों में सेलेक्ट करके बताएं कि हम इन दोनों में से कौन सा लेकर आना चाहिए अपने सेटअप के ऊपर। अब बर्ड्स के लिए मतलब जगह वगैरह उनके घर वगैरह बने हुए हैं, लेकिन एक वाइज मुफासा है जिसका हमारे पास कोई भी घर वगैरह नहीं है, तो इंशाल्लाह इसके लिए कोई घर वगैरह बनाएंगे हम, ताकि उसमें मतलब रह सके, इसको प्राइवेसी वगैरह मिल सके, क्योंकि फिलहाल इसका कोई वगैरह घर वगैरह हमारे पास नहीं है। सब बर्ड्स के घर है, ये छत के ऊपर खुला घूमता रहता है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा सा घर बना लें यहाँ पर, तो ताकि इसमें रहे, इसको अच्छी सी प्राइवेसी वगैरह मिल सके, क्योंकि अभी इसका पार्टनर भी आने वाले हैं इसके साथ, तो इस वजह से, तो क्योंकि ये सारा छत के ऊपर घूमता रहता है, मतलब इसने गंदगी वगैरह बनाई हुई होती है, तंग करता रहता है सबको। ये आ गया मौसम फासा, ये चेक करें, अब ये बकरी बन गया है जी, बस पौधों में इस तरह बैठा रहता है सारा दिन, पता क्या निकाल रहे हैं, तंग ना किया करो मुफासा। दोस्तों इसका जो जख्म था वो भी अब ठीक हो गया, मैंने इसके ऊपर स्पिरिट के साथ की कल ये इसने खुद को ज़ख्मी कर लिया था, तो अब इंशाल्लाह माशाल्लाह पहले से कुछ बेहतर है। ये चेक करें, इसके काम चेक करें, क्या कर रहे हो, कुछ निकाल के खा रहे हैं यहाँ से,
तो दोस्तों उसका नाम माशाल्लाह काफ़ी भाई कहते रहते हैं भाई इसको गिफ्ट करो, तो प्लीज़ आप लोग मन के अगर आपने बताया तो हम इसको इंशाल्लाह उसको ज़रूर इनको तरह भाई को गिफ्ट करेंगे। हमारा मुफासा जो है रोनाल्डो बन गया, इसका काम चेक करें, यकीन जाते क्या ये कहते हैं मेरे साथ खेलते ही रहे, पत्नी उसको क्या हो जाता है भीड़ में से पागल हो जाता है, ये पत्नी नहीं चलता है कहते हैं बस हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई खेलता रहता है टाइम तो हमारे पास नहीं, इसमें चलो कोई सुबह के टाइम इसके साथ अक्सर खेलते हैं और शाम के वक्त ये चाहते हैं बस हर टाइम मेरे साथ खेलते रहें, तो अभी मुझे खुद भी से डरने लगने लग गया क्योंकि अभी ऊपर अटैक करते हैं। तो दोस्तों आपके इसके आपके पास इसका कोई हल है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी मसला है इसने बनाएगा या हर किसी के ऊपर अटैक करते हैं, मेरे ऊपर भी अटैक करते हैं, जो भी छत के ऊपर आए हर किसी के ऊपर अटैक करता है, इंशाल्लाह कोई एलवेरा निकालते हैं ताकि हमारे ऊपर अटैक ना करें। हमेशा ना काफ़ी कहते रहते हैं कि भाई अपने सेटअप के ऊपर पिजन का सेटअप लगाएं, पिजन का सेटअप लगाएं, दोस्तों हमने सोचा क्या है कि हम पिजन का सेटअप यहाँ पर बना रहे हैं कुछ टाइम के लिए छोटा सा, ताकि हमारे जो पिजन वगैरह यहाँ पर रह सकें, ब्रीडिंग वगैरह कर सकें, तो क्योंकि यार छोटा सेटअप लगा देते हैं मतलब फुल मतलब यहाँ से जहाँ तक केज वगैरह बनाएंगे उसमें मतलब दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे और एक में डाव वगैरह रख लेंगे और एक में पिजन वगैरह रख लेंगे। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें पिजन लेकर आने चाहिए नहीं लेकर आने चाहिए अपने सेटअप के ऊपर, इंशाल्लाह जिस तरह आपने बोला फिर हम वैसा करेंगे। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि तंग करने लग गए।